दोस्तों, क्या आपने कभी किसी शेर को दर्द से चिल्लाते हुए जेब्रा को खाते हुए देखा है? और कितना भयंकर मंजर होगा जब एक जिंदा इम्पाला को जंगली कुत्ते नोच खाएंगे। आज हम आपके लिए जानवरों के ऐसे ही 10 भयंकर वीडियोस को लाया है जिन्हें देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, लायन इट्स जेब्रा अलाइव। दोस्तों, यहाँ पर खूंखार शेर जेब्रा के झुंड को देखकर उन पर हमला कर देते हैं और सभी जेब्रा अपनी जान को बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, एक जेब्रा किसी तरह शेर के पकड़ में आ जाता है। दोस्तों, शेर के जबड़े में बहुत ताकत होती है और वो इसका उपयोग अपने शिकार को दबोचने में करता है। शेर अपने मजबूत जबड़ों से जेब्रा के गर्दन को दबोच लेता है और जेब्रा भी शेर से बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शेर के सामने जेब्रा की एक नहीं चलती। जेब्रा अपने पैरों को तेजी से मारता है और जोर जोर से चिल्लाता है। लेकिन दोस्तों, शेर आज शिकार के मूड में ही लग रहा था। शेर अपने शिकार को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाह रहा था। तभी वहां पर शेर के कुछ और साथी आ जाते हैं और जेब्रा पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जेब्रा चिल्लाते रहता है, लेकिन शेर को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शेर जल्दी ही इस जेब्रा को मार देता है और इसके मांस को नोच खाने लगता है। नंबर 9, वाइल्ड डॉग्स ईट्स इम्पाला अलाइव। दोस्तों, यहाँ पर दो जंगली कुत्तों के हाथ एक इम्पाला लग जाता है। दोनों कुत्ते इस इम्पाला के पिछवाड़े को पकड़ कर घींच रहे थे। इम्पाला के लाख कोशिश करने के बाद भी उसे आगे नहीं जाने देते हैं। दोस्तों, जंगली कुत्ते काफी खूंखार होते हैं और जब बात शिकार की हो तो ये अपनी पूरी जान लगा देते हैं शिकार को मारने के लिए, और ये हमेशा अपने शिकार को झुंड में ही मारा करते हैं। इम्पाला इन कुत्तों से बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इन कुत्तों की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि इम्पाला कुछ नहीं कर पाती। कुछ देर में ये जंगली कुत्ते इस इम्पाला के पेट को फाड़ देते हैं और इसके मांस को नोच खाने लगते हैं। आखिर में ये जंगली कुत्ते इम्पाला को जमीन पर गिरा ही देते हैं और कुछ देर में वहाँ पर जंगली कुत्तों का पूरा झुंड आ जाता है। सभी कुत्ते इस बेचारे इम्पाला पर टूट पड़ते हैं और इसको नोच खाने लगते हैं। नंबर 8, कोमोडो ड्रैगन ईट्स डियर अलाइव। दोस्तों, कोमोडो ड्रैगन एक बहुत ही खूंखार जानवर है जो अपने शिकार को बहुत ही बेरहमी से मारा करता है। ये अपने शिकार को नुकीले पंजों से मारता है और उसे नोच खाता है, और कोमोडो ड्रैगन अपने शिकार को अपने हाथ से कभी जाने नहीं देता। दोस्तों, यहाँ पर एक कोमोडो ड्रैगन ने एक हिरन का शिकार किया है। हिरन काफी जख्मी होता है, इसीलिए हिरन अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। एक कोमोडो ड्रैगन हिरन को छोड़कर दूर जाकर बैठ जाता है, तो वहीं दूसरा कोमोडो ड्रैगन आता है और हिरन को नोचने लगता है। कोमोडो ड्रैगन हिरन के शरीर को नोचकर खाने लगता है। हिरन बहुत चिल्लाते रहता है, लेकिन इससे कोमोडो ड्रैगन को कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर में वहां पर दूसरा कोमोडो ड्रैगन भी आ जाता है। दोनों ड्रैगन इस हिरन के शरीर पर टूट पड़ते हैं और इसे नोच खाने लगते हैं। नंबर 7, हाइना ईट्स जेब्रा अलाइव। दोस्तों, यहाँ पर एक जेब्रा को बहुत सारे हाइना मिलकर घेर लेते हैं और उसे अपना शिकार बनाना चाहते हैं। लेकिन जेब्रा अपनी जान को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है। वो हाइना के झुंड से बचकर भागना चाहता है, अपने पैरों की मदद से खुद को बचाने की कोशिश करता है, मगर हाइना का झुंड जेब्रा को एक पल के लिए भी नोचना नहीं छोड़ता। दोस्तों, हाइना काफी खूंखार शिकारी होते हैं और ये अपने शिकार को हमेशा झुंड में ही मारा करते हैं। सभी हाइना मिलकर इस जेब्रा पर पूरी ताकत के साथ हमला करते हैं। कुछ हाइना तो इस जेब्रा के पीठ पर चढ़कर उसे नोचने लगते हैं, और हाइना की ये मेहनत रंग लाती है। कुछ ही देर में जेब्रा जमीन पर गिर जाता है। सभी हाइना मिलकर जेब्रा को नोचकर खाने लगते हैं, और जेब्रा दर्द से बहुत चिल्लाता है, लेकिन इन हाइनास को जेब्रा पर थोड़ी सी भी दया नहीं आती है। नंबर 6, हाइना ईट्स बेबी विल्डरबीस्ट अलाइव। दोस्तों, यहाँ पर कुछ हाइना मिलकर एक विल्डरबीस्ट को अपना शिकार बना लेते हैं और उसे नोचने में लग जाते हैं। विल्डरबीस्ट हाइना के हमले के चलते बहुत घायल हो जाता है और वो काफी चिल्लाते रहता है, लेकिन हाइना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो विल्डरबीस्ट भी काफी खूंखार होते हैं, लेकिन जब सामने में हाइना का झुंड हो तो विल्डरबीस्ट की एक नहीं चलती, क्योंकि हाइना इतने खूंखार होते हैं वो अपने नुकीले दांतों और पंजों से अपने शिकार को नोचते नोचते खत्म ही कर देते हैं। धीरे धीरे सभी हाइना मिलकर अपने शिकार को पूरे जगह से नोचने लगते हैं। आखिरकार दर्द के कारण विल्डरबीस्ट
बीस्ट अपने जान को गवा देता है और सभी हाइना मिलकर इसके शरीर को फाड़ देते हैं और इसके मांस को नोच खाने लगते हैं। नंबर 5, लेपर्ड इट्स वर्थोग अलाइव। दोस्तों, लेपर्ड खूंखार होने के साथ साथ चालाक और फुर्तीला भी होता है। यह अपने शिकार को बहुत ही चालाकी से मारा करता है। दोस्तों, यहाँ पर एक लेपर्ड ने एक वर्थोग का शिकार किया है। लेपर्ड ने अपने नुकीले दांतों को वर्थोग के शरीर में गड़ा दिए हैं, जिसके कारण वर्थोग के शरीर पर एक बड़ा घाव बन जाता है और वर्थोग बहुत जोर जोर से चिल्लाता है। लेकिन इसके बाद भी लेपर्ड को वर्थोग पर थोड़ी सी भी दया नहीं आती है। वर्थोग अपनी जान बचाकर भागने के लिए उठता है, लेकिन वो बहुत ही कमजोर हो चुका था, इसीलिए वो भाग नहीं पाता है। तो लेपर्ड वर्थोग के ऊपर दोबारा हमला कर देता है और लेपर्ड वर्थोग के गर्दन को दबोच कर उसे मार देता है। नंबर 4, बबून इट्स इम्पाला अलाइव। दोस्तों, जंगल में एक इम्पाला का बच्चा भटक रहा है, लेकिन ये इम्पाला जल्द ही एक बबून के पकड़ में आ जाता है। बबून इस इम्पाला को पकड़कर एक जगह बैठ जाता है और इसके पिछवाड़े और पीठ को नोचने लगता है। इम्पाला के पीठ पर काफी बड़ा घाव हो जाता है, जिसके कारण इम्पाला बहुत चिल्लाता है, लेकिन बबून को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती है। दोस्तों, बबून जंगलों में ही रहते हैं और अपने से छोटे जानवरों को मारकर खाते हैं। धीरे धीरे ये बबून इस इम्पाला को पूरे तरीके से फाड़ देता है और इसके शरीर को नोचकर खाने लगता है। नंबर 3, वाइल्ड डॉग इट्स इम्पाला अलाइव। दोस्तों, यहाँ पर कुछ जंगली कुत्तों ने एक वर्थोग को अपना शिकार बनाया हुआ है। वर्थोग खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जंगली कुत्तों के सामने उसकी एक नहीं चलती। सभी कुत्ते मिलकर इस वर्थोग को लगातार नोचते रहते हैं। दोस्तों, वर्थोग भी एक शिकारी जानवर होता है, लेकिन जंगली कुत्तों के झुंड के सामने वर्थोग भी लाचार हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता। वर्थोग दर्द से बहुत चिल्लाता रहता है और जंगली कुत्तों के झुंड से बचने की बहुत कोशिश करता है। कुछ ही देर में जंगली कुत्तों के हमले से वर्थोग बहुत घायल हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। दर्द से परेशान वर्थोग बहुत तड़पता है, लेकिन जंगली कुत्तों को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती है। आखिर में वर्थोग मर जाता है और जंगली कुत्ते इसे नोच कर खा जाते हैं। नंबर 2, चीता एंड हाइना इट्स इम्पाला अलाइव। दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीतों ने एक इम्पाला को अपना शिकार बनाया है। एक चीता इस इम्पाला के पैरों पर अपने दांतों को गड़ाए रखता है, तो दूसरा चीता इम्पाला के ऊपर सामने से हमला करता है। इम्पाला जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन चीता इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और तभी वहाँ पर हाइना का झुंड आ जाता है और चीतों पर हमला करने लगता है। दोस्तों, चीता और हाइना शिकार करने के मामले में दोनों ही खूंखार होते हैं। अब घायल इम्पाला पर इन हाइनास का कब्जा हो जाता है। इम्पाला भी खड़ा होकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हाइनास के सामने उसकी एक नहीं चलती। हाइना उसे दोबारा जमीन पर पटक देते हैं और इसके शरीर को नोचने लगते हैं। धीरे धीरे वहां पर और हाइनास भी आ जाते हैं और सभी हाइना मिलकर इस इम्पाला को नोचकर खाने लगते हैं। नंबर 1, लायन इट्स हिप्पो अलाइव। दोस्तों, जंगल के राजा शेर किसी भी जानवर के सामने आ जाए तो वो जानवर डर के मारे घबरा ही जाता है। यहाँ इस क्लिप में देखिए, एक हिप्पो घास को चर रहा था, तभी शेर की नजर उस हिप्पो पर पड़ती है और शेर उसको शिकार बनाने के लिए उसके तरफ दौड़ लगा देता है। हिप्पो को जैसे ही एहसास होता है कि शेर उसके तरफ आ रहा है, तो हिप्पो सतर्क हो जाता है। हिप्पो अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही भागता है, तो शेर हिप्पो के ऊपर हमला कर देता है। हिप्पो के पीठ पर चढ़कर उसके गर्दन को दबोच लेता है और उसे जमीन में पटक देता है। हिप्पो खुद को बचाने के लिए बहुत हाथ पैर मारता है, लेकिन शेर के सामने उसकी एक नहीं चलती। शेर अपने नुकीले दांतों से हिप्पो को घायल कर देता है और शेर इसे नोच कर खाने लगता है। तभी कुछ ही देर में वहां पर शेर का एक और साथी आ जाता है और दोनों शेर मिलकर इस हिप्पो को खाने में लग जाते हैं। दोस्तों, यही थे जंगली जानवरों के 10 भयंकर हमले, जिन्हें देखकर आपको मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।